Yes. So we have here we have to prove that 3 + 2 √5 is irrational. 3 + 2 √5 is irrational. So let's start it. Here we have. यहाँ पे देखो एक चीज देखो आप थ्री इज अ इंटीजर प्लस टू इज अ इंटीजर बट √5 इज अ इरेशनल नंबर या फिर ऐसे बोल दें थ्री इज इंटीजर है अगर थ्री आपका इंटीजर है तो थ्री रैशनल नंबर भी है टू भी क्या है रैशनल नंबर है और फाइव भी रैशनल नंबर है तो पहले देखते हैं कि रैशनल होगा या नहीं एक चीज देखो चीज आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्लॉज क्या था कल अपन ने डिस्कस किया रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इरेशनल अब इसमें आप रैशनल नंबर और ऐड कर इरेशनल में रैशनल नंबर और ऐड कर तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे आपका ये इरेशनल बन रहा है तो यही आपको प्रूव करना है इट इज अ इरेशनल नंबर is a rational number. So, same contradiction से प्रूव करेंगे same contradiction से अपन इसको प्रूव करेंगे let's assume that 3 + 2 √5 is इरेशनली है जो इरेशनली मान के क्या मानेंगे अभी पर रैशनल नंबर देन इफ इट इज अ रैशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यू एक्स सो वी कैन राइट इट लाइक दिस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू 3 + 2 √5 वेयर पी एंड क्यू आर ओ प्राइम पॉजिटिव ओ प्राइम मीन्स इम्पैक्ट ऑफ वन या फिर जो वन के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं ओ प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यू क्या नहीं है जीरो के अब अपन क्या करते हैं ये जो सभी रैशनल पार्ट है या फिर इंटीजर वाला पार्ट है थ्री हो गया टू हो गया इनको इस साइड में ले लेते हैं पी अपॉन क्यू की साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं सो ऑन ट्रांसपोजिंग +3 पहले +3 आएगा देन मल्टीप्लाई या फिर ये वाला टू आएगा ऑन ट्रांसपोजिंग +3 इन LHS में गए पी अपॉन क्यू +3 इधर आएगा -3 दैट इज इक्वल टू 2 √5 नाउ यहाँ पे 1/1 लगा लूंगा फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा क्यू मल्टीप्लाई थ्री को पी -3 को डिवाइडेड बाय क्यू ये कैसे आया देखने पर पी अपॉन क्यू -3 1/1 लगाओ क्यू और 1 में एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ क्यू एंड 1 विल गिव यू क्यू डिवाइड बाय क्यू ट्रांसपोज कर दो तो यह भी मल्टीप्लाई में 2 √5 में 2 × √5 सो इधर इसको इधर लाओगे पी -3 क्यू 2 × इधर आके डिवाइड मोशन वही पैटर्न आ गया जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया सेम वही पैटर्न आ गया देखो क्या पी -3 क्यू इंटीजर -3 क्यू विल बी आल्सो इंटीजर व्हाई इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब आप अगर टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो then we will get a integer we will get an integer and agar 2 multiply 2 integers ko aap subtract karo then you will also get an integer means isko solve karenge to bhi integer aayega 2 multiply 2 integer multiply integer will be also
इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, देखो p अपॉन q सेम फॉर्म बन गई। यहाँ पे आप ये वाला क्या हो गया न्यूमरेटर एंड ये वाला क्या हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या था आपकी यहाँ पे इंटीजर्स, तो p अपॉन q की फॉर्म बन गई। बस यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज होता है, इट विल बी अ डेसिमल नंबर p माइनस 3 q विल बी अ p माइनस 3 q अपॉन 2 q विल बी अ डेसिमल नंबर, सो हियर वी विल राइट Here. आपका p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 2 इज आल्सो इंटीजर है, 3 इज आल्सो इंटीजर है, p q 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर हैं देन दिस इंप्लाइज p माइनस 3 q अपॉन 2 p माइनस 3 q अपॉन 2 q इज अ रैशनल नंबर, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर q जीरो होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। अगर q आपका जीरो हो गया तो वो क्या हो गया, नॉट डिफाइन। सो अगर आपका LHS क्या है, अगर आपका ये LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है देन इट शुड बी आंसर रैशनल नंबर, सो हियर वी विल राइट। देन इफ यू p माइनस 3q अपॉन 2q दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल पार्ट देन इट शुड बी आंसर रैशनल पार्ट, देन यू विल राइट 2 5 शुड बी आल्सो शुड बी अ रैशनल नंबर, आल्सो शुड बी अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट फाइव प्रीवियस में प्रूव कर चुके, रूट फाइव इज ए रैशनल is an irrational number, is an irrational number, is an irrational number, is an rational number. So we can conclude that our assumption, what kya assumption tha aapka, that 3 plus 2 5 is rational is incorrect. Iska reason kya hai, dekho yahan pe to aapka yahan pe aap bol rahe ho ki root 2 kya hai, root 5 kya hai, root 5 is a rational number, aur contradiction ye ho gaya ki आपने पहले भी प्रूव कर चुका है, फिर आप जानते हो दैट रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर, सो बाय दिस कंट्राडिक्शन वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो वी लाइक हियर बाय दिस कंट्राडिक्शन वी कंक्लूड दैट क्या थी आपकी assumption, that 3 plus 2 root 5 is rational.